वाले हैं समीकरण क्या होता है जब दो पदार्थों की आपस में क्रिया कराई जाती है। कुछ इस प्रकार के भी समीकरण हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्या होता है वाले समीकरणों में हमें कौन से दो पदार्थों की आपस में क्रिया करानी है। तो आइए सबसे पहला हमारा जो समीकरण होने वाला है इसमें आप देखेंगे एसीटोन को गिग्नाइट अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। एसीटोन को गिग्नाइट अभिकर्मक के साथ क्रिया कराने पर क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे एसीटोन को गिग्नाइट अभिकर्मक के साथ करा रहे हैं, तो एसीटोन का फॉर्मूला प्लस में क्या हो जाएगा, गिग्नाइट अभिकर्मक। तो एसीटोन का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, एसीटोन का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि हमें एसीटोन की रिएक्शन किसके साथ करानी है, गिग्नाइट अभिकर्मक के साथ करानी है। तो प्लस में क्या हो जाएगा, सी एस थ्री एम जी वी आर। सी एस थ्री एम जी वी आर को आप किस नाम से जानते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला किसका हो जाता है, गिग्नाइट अभिकर्मक का हो जाता है। किसका हो जाता है, गिग्नाइट अभिकर्मक का हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे किस प्रकार से ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका सिंगल बॉन्ड ओ हो गया, और बाकी यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो सी एस थ्री, ये वाला जो सी एस थ्री था इसको हमने कहाँ पे लगा दिया, नीचे लगा दिया। ये ओ का ओ है, बाकी का हमारा जो पदार्थ बचा हुआ है एम जी वी आर इसको किसके साथ लिख दिया गया है, ओ के साथ लिख दिया गया है। ये एक नया पदार्थ बन गया है। अब इस समीकरण को आप और आगे लेकर के चलेंगे तो इसका हमें अभी क्या कराना है, जल अवघटन कराना है। इसका आप क्या कराएंगे, जल अवघटन कराएंगे। जल अवघटन कराएंगे तो यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, H2O। H2O को हम क्या लिखते हैं, HOH लिखते हैं, क्योंकि H2O आपका जो फॉर्मूला होता है इसको हम समझने के लिए क्या लिख देते हैं, HOH लिख देते हैं। तो हमने इसको HOH के फॉर्म में लिख दिया है। अब आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे एक O जो आपका आएगा ये किसके साथ लग जाएगा, सॉरी एक H जो आएगा ये किसके साथ लग जाएगा, O के साथ लग जाएगा। बाकी का जो MgBr है ये किसके साथ लग जाएगा, आपका OH के साथ लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखें इतना पदार्थ मैंने सेम का सेम जैसा लिखा था वैसे ही इसको उतार दिया गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो O है इस H के साथ क्रिया करके यहाँ पे OH बना लिया। अब प्लस में अब बाकी का जो आपका MgBr और ये OH है इसको आप एक साथ लिख देंगे तो ये आपका Mg हो जाएगा। ये आइसो का आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, चिन्ह लगा देंगे, ऊपर आप जोड़ देंगे Br और नीचे क्या जोड़ देंगे, OH जोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका पहला समीकरण, क्या होता है जब एसीटोन को गिग्नाइट अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। इसके पश्चात हम देखेंगे आप अगला समीकरण। अगले समीकरण में यहाँ पे आप देखने वाले हैं जो आपका एसीटोन होता है एसीटोन को KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करा रहे हैं। एसीटोन को KOH के साथ, एसीटोन यानी CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आप लिख देंगे सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री। ये किसका सूत्र हो जाएगा हमारा, एसीटोन का हो जाएगा। इसको आप ऐसे पढ़ेंगे सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री, तो एसीटोन आपका हो गया। अब एसीटोन को हम किसके साथ, KOH की उपस्थिति में। अब चूंकि उपस्थिति जो है तो इसको हम कहाँ पे लिख देंगे, तीर के चिन्ह के ऊपर लिख देंगे। ये आपका किसके साथ क्रिया कर रहा है, एसीटोन क्रिया कर रहा है आपका क्लोरोफॉर्म के साथ। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है, क्या होता है, CHCl3 होता है। तो यहाँ पे हमने क्लोरोफॉर्म का क्या कर लिया, फॉर्मूला यूज कर लिया। तो क्या बनता है हमारा, क्लोरीटोन बनता है। क्या बनता है, क्लोरीटोन। अब यहाँ पे आप लिखेंगे क्लोरीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड सी और ऊपर आपका क्या लगा हुआ था, CH3। तो ये क्या हो जाएगा, CH3।
अब आप यहाँ पर देखेंगे CCl3 बनाएंगे और ये जो H है ये किसके साथ लगा देंगे, O के साथ लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका OH सिंगल बॉन्ड, बाकी क्या क्या बचा हुआ है CCl3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा CCl3। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा हमारा क्लोरीटोन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने दूसरे समीकरण में फिर से देखा कि एसीटोन को KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म किया जाता है यानी क्रिया कराई जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा किसका निर्माण होता है, क्लोरीटोन का निर्माण होता है। अब आप देखेंगे जो क्लोरीटोन नामक पदार्थ होता है यह एक निद्राकारी पदार्थ होता है यानी नींद की गोली के रूप में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे अगला समीकरण कि जो हमारा बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड को एनिलीन के साथ क्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा। बेंजल्डिहाइड यानी C6H5, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6H5CHO, क्या हो जाएगा CHO, CH डबल बॉन्ड O। ये हमारा फॉर्मूला किसका हो गया, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया। अब बेंजल्डिहाइड यानी C6H5CHO जो है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये क्रिया करेगा हमारा, ये क्रिया करने वाला है एनिलीन के साथ। एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2, C6H5NH2। तो इसको हम कुछ दूसरे प्रकार से लिखेंगे, प्लस में क्या हो जाएगा H2N सिंगल बॉन्ड C6H5। तो आपको कैसे बता रहा था मैं C6H5NH2, C6H5NH2, तो इसको मैंने समझने के लिए कुछ इस प्रकार से लिखा है। तो आप यहाँ पे आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से ये दोनों पदार्थ आपस में क्रिया करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि ये जो H होता है H2, ये किसके साथ क्रिया कर लेता है, O के साथ क्रिया कर लेता है, किसके साथ क्रिया कर लेता है, O के साथ क्रिया कर लेता है, और H2O का क्या कर लेता है निर्माण। अब H2O बनता है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे H2O लिख देंगे। अब हमारा क्या बनने वाला है, मुख्य उत्पाद बनने वाला है। मुख्य उत्पाद में हम क्या करेंगे, जहां पर HO था उसकी जगह से हम अब क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा N सिंगल बॉन्ड C6H5। तो पहले तो हमें सामने ये पूरा लिखना है C6H5CH डबल बॉन्ड, यहाँ से क्या हो जाएगा N सिंगल बॉन्ड C6H5। बहुत ही इजी समीकरण रहा है ये आपका, केवल यहाँ पे आपको बताया गया कि किस प्रकार ये H2O बाहर निकल गया और बाकी का जो हमारा लास्ट जो आपका था बेंजल्डीन, इसको हम बेंजल्डीन एनिलीन कहते हैं, बेंजल्डीन एनिलीन का ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद हम देखने वाले हैं अगला समीकरण, इसी में देखेंगे अगला समीकरण। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को, कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी क्या हो गया आपका R सिंगल बॉन्ड C OONA, ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण हो गया। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सोडियम लवण होता है ये सोडा लाइम के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, किसके साथ क्रिया करता है सोडा लाइम, यानी प्लस में क्या हो जाएगा NaOH, NaOH को आप क्या कहते हैं सोडा लाइम कहते हैं, NaOH यानी क्या हो जाएगा सोडा लाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे एथेन का क्या होगा निर्माण, यानी ये जो R है ये H के साथ क्रिया कर लेगा तो R सिंगल बॉन्ड H का क्या कर लेगा निर्माण कर लेगा, बाकी का जो हमारा पदार्थ रहेगा Na दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा Na2, C का C लिख देंगे, O के दो ये हैं और एक O ये है तो क्या हो जाएगा CO3, यानी Na2CO3। ये अभिक्रिया आपको अभी पिछली अभिक्रिया में भी बताई गई है। अब यदि आप यहाँ पे R की जगह क्या ले लेते हैं CH3 ले लेते हैं तो यहाँ पे R की जगह आपका क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा, यानी क्या बन गया मैथेन बन गया। इसके बाद आप देखने वाले हैं अगला समीकरण, तो फटाक से आइए देखते हैं अगले समीकरण में होता क्या है। अगले में हम देखेंगे बेंजीन को एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर, बेंजीन की एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर
क्या स्थिति होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक बेंजीन का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। अब बेंजीन की चूंकि हमें क्रिया किसके साथ करानी है, एसिटिल क्लोराइड के साथ करानी है। एसिटिल क्लोराइड यानी CH3COCl होता है, क्या हो जाएगा CH3COCl को आप क्या कहते हैं, एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। ये जो रिएक्शन होती है ये किसकी उपस्थिति में होती है, AlCl3 की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में हो जाएगी, AlCl3 की उपस्थिति में हो जाएगी, यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया होती है। और किसका निर्माण होता है, एसिटोफिनोन का निर्माण होता है। तो एसिटोफिनोन का फॉर्मूला कैसे तैयार होगा, यहाँ पे आप देखेंगे बेंजीन रिंग बनाएंगे, बना लेंगे, बेंजीन रिंग तैयार हो गई। और बेंजीन रिंग के ऊपर आप क्या लगा देंगे, COCH3। बेंजीन रिंग के ऊपर यानी यहाँ पर COCH3 को आपने लगा दिया, ठीक है। तो जहां पे अभी तक आपको बताया गया है कि यदि हम बेंजीन रिंग के ऊपर यदि कुछ लगाते हैं तो वहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ठीक है। हमने देख लिया कि यहाँ पे हमने एक जगह COCH3 को लगाया तो वहां से एक हाइड्रोजन हमारा बाहर निकला। अब वो जो हाइड्रोजन बाहर निकला वो किसके साथ क्रिया करेगा, Cl के साथ, क्योंकि COCH3 ये तो लगा दिया, बाकी का क्या बचा हुआ है, Cl बचा हुआ है। ये Cl उस निकलने वाले हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा और क्रिया करने के फलस्वरूप किसका निर्माण कर लेगा, HCl का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो ये कुछ अभिक्रियाएं होती हैं कि क्या होता है जब ये दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो हमें बताना होता है कि कौन से नए पदार्थ का निर्माण होता है।